तो अभी जीवशास्त्र तो कर रहे थे, मतलब इसे रोज हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था? हाँ जी पापा जी। हाँ हाँ जी रोज डेली। हाँ जी। कितनी बार लेकर जाते थे? दो टाइम। दो बार? हाँ जी। किससे ज्यादा भी लेकर गए? पापा जी जी दो ठीक नहीं थी हो गया, फिर उन्होंने तीन टाइम कह दिया। पहले दो बार जाते थे जब ठीक नहीं हो रहा था, फिर तीन दिन में तीन बार जाते थे। हाँ जी। फिर आप संडे आए? हाँ जी फिर संडे। फिर संडे आपने क्या सुना? पापा जी तुसी सिखा रहे सी किसे नु कि तुसी चिंता ते जो बोझ है आपने वो परमेश्वर नु दे दो, तुसी चिंता नहीं करनी। फिर मैं उसे टाइम मैं भी रिसीव किया कि मैं चिंता क्यों करनी है, मैं भी अपने चिंता ते बोझ परमेश्वर दे ते दे देनी, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये सबसे मेन पॉइंट। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मिसालदीप कौर है और ये मोदल के रहने वाले हैं। एक हफ्ते पहले इनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसकी छाती में कफ रेशा भर गया था और उसकी इनके बेटे की छाती जाम हो गई थी। तो ये मेडिसिन दे रहे थे पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जैसे ये चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके बेटे को निमोनिया हो गया है। और उस समय ये बहुत परेशान हो चुके थे और ये अपने बेटे को हॉस्पिटल में लेकर जाते रहे। तो आओ हम इनकी गवाही को इनसे सुनेंगे कि इस प्रॉब्लम के कारण ये कितना परेशान हो चुके थे और इनके मन में कैसे विचार आते थे। तो जय सिस्टर जी, आप थोड़ा बताएं। जैमसी दी पापा जी, जैमसी दी मम्मा जी, सारी कलीसिया नू मेरे वल्लों जैमसी दी। जदों मेरा बेटा बीमार हो गया सी, इहनू ना बहुत ज़्यादा खांसी ते जुकाम दी प्रॉब्लम सी, इहनू ना साह लैण विच भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदी सी, जिस करके मैं इसनू हॉस्पिटल लैके गए ते डॉक्टर ने कहा कि इहदा एक्सरे करवाओ। जदों इहदा एक्सरे करवाया तां इहदी छाती बहुत ज़्यादा रुकी सी। डॉक्टर ने कहा कि तुहाडे बच्चे नूं निमोनिए की प्रॉब्लम आ ते इहनूं एडमिट करना पैना वा। फिर डॉक्टर ने कहा कि इहनूं तुसीं हर रोज़ दो टाइम लैके आउणा आ हॉस्पिटल। फिर डॉक्टर इहनूं दो टाइम इंजैक्शन लगाउंदे रहे ते पाफ दिंदे रहे, पर फिर भी मेरे बेटे नूं कोई फर्क नहीं सी पै रहा। ते फिर डॉक्टर ने कहा कि हुण तुसीं तीन टाइम लैके आउणा आ अपने बच्चे नूं। फिर जो असी तीन टाइम लैके जाते रहे तो तीन टाइम इनू इंजैक्शन लगते रहे तो नाल भाफ भी देंदे रहे, पर फिर भी इनू कोई फर्क नहीं सी हैगा। तो फिर मैं सोचा कि हुण मैं संडे की मीटिंग अटेंड करूँगी तो पापा जी नाल गल करके जाऊँगी कि पापा जी मेरे बेटे नूं इदां प्रॉब्लम आ ते तुसी प्रे करो। पर संडे की जो मैं मीटिंग अटेंड की तो पापा जी ना समझा रहे सी, किसे नूं सिखा रहे सी कि तुसी अपने चिंता ते बोझ परमेश्वर नूं दे दो ते तुसी किसे भी गल दी चिंता नहीं करनी। तां उस टाइम मैं उस वर्ड नूं रिसीव कीता ते मतलब मैं परमेश्वर गाड़ी कहा कि परमेश्वर ये चिंता ते बोझ मेरे लिए नहीं है, मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक हो चुका आ, मैं विश्वास करदी हाँ कि हुण कल मेरे बेटे नूं छुट्टी मिल चुकी आ। ते जदों मैं इदा विश्वास रख के घर गई तो मैं परमेश्वर दे दास दे नाल भी कोई गलबात नहीं की, मैं सिर्फ विश्वास करके घर चली गई। तो जदों मैं नैक्सट डे अपने बेटे नूं हॉस्पिटल खड़िया तो डॉक्टर ने कहा कि हुण तुहानूं इंजैक्शन ते भाफ दवाउण दी कोई जरूरत नहीं है, तुहाडा बेटा अगे नालों बहुत ठीक हो चुका आ। तो उस तो बाद मैं अपने बेटे नूं हॉस्पिटल नहीं खड़िया ते हुण मेरा बेटा उस दिन तो बाद बिल्कुल ठीक आ। हुण इहनूं कोई भी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इहनूं साह लैण विच कोई प्रॉब्लम आ। मैं इस गवाही लई परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा बहुत ज़्यादा धन्यवाद करदी हाँ। तो जैसे सिस्टर ने बताया कि ये लगातार हॉस्पिटल में जा रहे थे तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप एक दिन में दो बार दो टाइम हॉस्पिटल में आए। तो जब इनके बेटे की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होगी तो फिर डॉक्टर ने फिर से इन्हें कहा कि आप एक दिन में तीन बार हॉस्पिटल आए। तो जब ये हॉस्पिटल जाते रहे तो हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखेंगे। Oh
तो फिर जैसे हमने देखा है कि ये हॉस्पिटल में थे और फिर जो इनके लिए जब इन्होंने रिसीव किया कि ये बोझ में हैं, तो जब परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए परफेक्टिक वर्ड आया, तो आइए हम उस परफेक्टिक वर्ड के क्लिप को स्क्रीन पर देखेंगे। जैसे ये परेशान थे तो मैंने इन्हें समझाया तो इनके सारा बोझ उतर गया, वो सारी जो मुश्किल थी बोझ था, नहीं तो ये पता नहीं सोच सोच कर शायद ये और ज्यादा बीमार हो जाते। इसे हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा है कि जितने लोग बोझ में हैं वो विश्वास करें। तो जैसे सिस्टर जी आप बताएं कि जब आपने इस वर्ड को रिसीव किया तो परमेश्वर ने आपके बेटे को कितने दिनों के बाद इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया? मेरे बेटे नू 2 दिन बाद परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम तो पूरी तरह फ्री कर दिता। सचमुच कलीसिया से बड़े काम के लिए हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। सचमुच जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वे कभी भी लज्जित नहीं होते कलीसिया, इसलिए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की महिमा कीजिए, प्रेज कीजिए अपनी तालियों के साथ। पापा जी, की। क्या नाम है आपका? मिसाल दीप। तो अपनी क्या क्या हुआ, क्या था आपके बच्चे को? पापा जी इन्हू ना खांसी जुकाम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिदे करके इन्हू साह लैण विच प्रॉब्लम आउंदी सी। फिर असीं इन्हू डॉक्टर को खड़िया ते उन्होंने एक्सरे क्या 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 बताया डॉक्टर ने? एक्सरे करवाउण नू कहा ते उन्होंने कहा छाती बहुत ज्यादा रुकी आ ते इन्हू नमूनिया दी प्रॉब्लम, इसको नमूनिया हो गया। सुनो ध्यान से, है ना। तो अभी जीवशास तो कर रहे थे, मतलब इसे रोज हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता था? हाँ जी पापा जी। हाँ हाँ जी, रोज डेली। हाँ जी। कितनी बार लेकर जाते थे? 2 टाइम। 2 बार? हाँ जी। किससे ज्यादा भी लेकर गए? पापा जी जी दो ठीक नहीं सी हो गया, फिर उन्होंने 3 टाइम कह देता। पहले 2 बार जाते थे जब ठीक नहीं हो रहा था, फिर दिन में 3 बार जाते थे। हाँ जी। कहाँ पर लेकर जाते? वेर के सेंटर से। वेर की? वेर के सेंटर या सेंटर से। यहाँ हाँ से कितनी दूर है? पापा जी तो काफी दूर है, मतलब फाटक तो फाटक से आगे। सुनो ध्यान से, तो दिन में 3 बार ये वहां पर लेकर जाते थे, क्यों लेकर जाते थे? पापा जी ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਫ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਫ ਮਤਲਬ ਸਟੀਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇ ਵੀ ਦੇਖਾ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਸਟੀਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਔਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੋਤਾ ਥਾ ਲਗਵਾਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਪਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੋਤਾ ਥਾ ਔਰ ਦਿਨ ਮੇ 3-3 ਵਾਰ ਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਤੋ ਰਹੇ ਥੇ। ਅਬ ਤਬ ਉਨ ਦਿਨੋ ਮੇ ਆਪ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਥੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਡੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਸੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਆ ਸੁਣਾ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਜੋ ਬੋਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਕਿ क्योंकि उस खुदावंद ने, सुनो ध्यान से सुनो, अभी उस दुनिया बनाने वाले परमेश्वर ने कहा अपने जीवन की सारी चिंता मुझ पर क्या है, डाल दो। क्या करो बोलो? अपनी जीवन की सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जैसे पंजाबी कहते सुट दो, की कर दो बोलो? सुट दो। मैनू तुहाडा फिकर है किन्ने क्या। तो यहां पे मैंने जब किसी के जीवन के बारे उस दिन बताया ना, बोलो क्या, मैंने उस दिन मैंने किसी के जीवन के बारे बताया कि वो बोझ में बड़े थे, चिंता कर रहे थे। बोलो क्या, अपनी अपनी पर्सनल अपने बच्चों को लेकर वो बड़ी चिंता कर रहे थे और सोच सोच के उनके सिर में दर्द आ गई और वो बड़े परेशान थे, कैसे होगा कैसे होगा। तो उन्होंने उस दिन उन्होंने सुना कि मैं भी तो सेम ऐसा ही कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, क्या कर रही हूं, मैं भी तो ऐसे ही कर रही हूं। और जैसे
उस गवाही के उन शब्दों को अपने जीवन में रिसीव किया, लिया ना, बोलो क्या लिया, और अपनी चिंता, अपना भूत जो जिसको बच्चे को लेकर ये सोच रही थी, हाँ कैसे होगा ठीक, ऐसे मन में विचार आते होंगे ना। हाँ जी पापा जी। क्या विचार आते थे? पापा जी ये ठीक नहीं सी हो रहा थे मेरे मन च, यह होंगे कि मतलब ठीक नहीं हो रहा, तो हम पता नहीं मैंने किन्ने के दिन जाना पड़ेगा, कि उत्थे ना कह कि हम इतने रखना पैना वा ना, मतलब ऐसे मन में आ रहे थे कितने दिन जाना पड़ेगा, जैसे पक्का यहीं पे रखना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा। हाँ तो पर उस दिन उन्होंने जो वर्ड है ना, उन शब्दों को, उन गवाहियों के शब्दों को अपने जीवन में लिया, क्या लिया बोलो, तो कि नहीं अगर उसको परमेश्वर ने फ्री किया है, उसने उस चिंता को भोज जो वो ले रहे थे उन्होंने छोड़ दिया, तो आज से मैंने भी किया नहीं। जब ऐसे अपने प्रैक्टिकल किया ना, क्या किया बोलो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करना, जब जो हम सुनते हैं, बोलो क्या, जो हम सुनते हैं उसे प्रैक्टिकल करना है, विश्वास करना है कि जो मैंने सुना मेरे लिए हो गया है, बोलो मेरे लिए हो गया, हो गया। तो अपने जब प्रैक्टिकल किया तो फिर कितने दिन में हुआ ही? पापा जी नेक्स्ट डे तेनू छुट्टी मिल गई सी ना, उन्होंने कहा हुण आउण दी कोई जरूरत नहीं आ, ते दो दिन बाद हुण इहनू कोई खांसी दी प्रॉब्लम नहीं ना जुकाम दी प्रॉब्लम हुण बिल्कुल। देख लो हाँ, क्यों परमेश्वर ने कहा मेरा वचन जीवित है और दो तारी तलवार से भी क्या है, तीखा है, मेडिसिन से भी तीखा है। मेडिसिन, मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, बोलो मेडिकल साइंस बुरी नहीं है, पर जब काम ना करे, जब मेडिकल साइंस काम ना करे तो फिर इंसान क्या करे। देख लो दिन में तीन तीन बार जा रहे थे लेकर बच्चे को, और कैसे कैसे मन में विचार आते। उस दिन संडे आई, हाँ उनकी गवाही को सुना कि कैसे, हाँ जो वो चिंता ले रहे थे, तो मेरे मुंह से जब मैंने उत्साहित किया कि हाँ बोलो क्या, क्योंकि चिंता बोझ एक ऐसी चीज है जो लोगों के जीवन में बड़े बड़े रोगों को पैदा कर सकती है। चिंता बोझ एक ऐसी चीज है जो आप सड़कों के ऊपर पागल देखते हो ना, पागल नंगे फटे कपड़े, वो ऐसे हुए, उन्होंने डिप्रेशन बोझ लिया, किसी चीज की चिंता लेकर माइंड में उन्होंने ऐसे ले लिया, बस उसी का असर नेगेटिविटी इस्तेमाल करती और लोगों को ऐसे पागल कर देती, क्या कर देती बोलो। और ये यहीं से शुरू होता है, बोलो क्या, ये अगर ये उस चीज को विश्वास से ना पकड़ते तो शायद हालात और बड़ा होता जाता, बढ़ता जाता, बोलो क्या, बढ़ता जाता। इसीलिए खुदा की हजूरी में आना, वचनों को सुनना, गवाहियों को सुनना हमारे जीवन में काम करते हैं, क्या करते बोलो। अगर ये उस दिन ना आती, अपनी बुद्धि लगाती, बोलो क्या, अगर ना आते, अपनी बुद्धि लगाती, नहीं 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 चलो ठीक है आज तो फिर जाना पड़ेगा, हाँ तो चलो रहने दो, कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे, उस दिन ना आती, ना सुनती, तो शायद छुटकारा भी ना मिलता। इसीलिए लिखा ना, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से है, चाहे वो लिखित वचन है चाहे गवाही का वचन है, क्योंकि गवाही भी एक वचन है। जब सुना उसको अपने मन में रखा, विश्वास किया, आज आपके सामने है। हाँ बोलो कि आज कितने लोग अपने जीवन को लेकर चिंता करते हैं, जो ऑनलाइन भी उनके लिए भी है, जो चिंता करते हैं, सोचते हैं अपने अपने जीवन को लेकर, बिजनेस को लेकर, कारोबार लेकर, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, बच्चों को लेकर, हाँ सोचते हैं ना हम। पर परमेश्वर ने क्या कहा है, किसी भी बात की चिंता मत कर, उसने ऐसे कहा, किसी भी बात को लेकर सोचना, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे और किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि जो जो प्रार्थनाएं तू धन्यवाद के सहित मेरे सन्मुख कर रहा है, वो धन्यवाद के सहित मेरे सन्मुख को उपस्थित किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, खुदा ने तुम्हें एक काम दिया, बस तुम वो करो, क्या करो बोलो, तो वो करो। क्योंकि कई बार हम विश्वास तो करते हैं पर
विश्वास करते हैं, सुनते भी, गवाहियों को भी सुनते हैं, वचन भी सुनते हैं, पर फिर भी हम सोचते रहते हैं कैसे होगा, कब होगा, हाँ, जबकि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं किया कहा करने के लिए, बोलो क्या, परमेश्वर ने हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहा, पर फिर भी हम करते हैं, सोचते हैं अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी मैरिज लाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए, कई चीजों के लिए सोचते हैं, पर खुदा ने कहा नहीं सोचना, चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता से ही शैतान नेगेटिविटी काम करती है, क्या क्या लोग करती है, जो नेगेटिविटी है शैतान है वो इसी चिंता से, सोच से काम करता है। और जब हम सोचना बंद कर देंगे, क्यों लिखा बाइबल में, शरीर की बातों पर मन लगाना मौत है, पर आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है, ऐसे ही लिखा ना, तो फिर इसलिए उन बातों पे मन लगाना ही जीवन है, जैसे इसने लगाया आज आपके सामने बिल्कुल फ्री है, नहीं तो कितनी परेशान थी, दिन में तीन तीन बार जा रही थी। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, हजूरी विच हुंदी बरकत, जोर से अपने हाथों को उठाओ, यीशु दी हजूरी विच हुंदी बरसात शिफावां दी, यीशु दी हजूरी विच हुंदी बरसात शिफावां दी।